हाय, वेलकम टू पीएलपी एडवाइजरी सर्विसेज। माय नेम इज अनिल वर्मा और आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ द्वारका एक्सप्रेसवे पे प्लॉट में इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस। बात करते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे की, तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये लोकेशन है जो एक तरफ से आपको दिल्ली से कनेक्ट करती है, दूसरी तरफ आपको ये गुड़गांव से कनेक्ट करती है। दोनों तरफ आपके क्लोवर लीव्स बन जाते हैं, एलिवेटेड ये पूरे का पूरा आपको ये रोड मिल जाते हैं, 8 लेन आपको एक्सप्रेसवे मिल जाता है और अभी तक का सबसे महंगा एक्सप्रेसवे ये भारत में बना है। 1.5 साल की अगर आप हिस्ट्री उठा के देखो तो एक्सप्रेसवे पे बहुत ही ज़बरदस्त एप्रिसिएशन हुआ है प्राइस में। ऑलमोस्ट गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन के प्राइसेस को मैच कर दिया है अभी द्वारका एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट्स ने। और जो आने वाले टाइम में जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि द्वारका एक्सप्रेसवे गुड़गांव की हर लोकेशन को सरपास कर जाएगा प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन में। इस लेवल की डिमांड वहां पे होने वाली है। और प्लॉट्स एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है, जब हम रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। और जब हम ROI, जिसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहते हैं, तो जब उसको हम कंपेयर करते हैं अदर मोड्स ऑफ रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट जैसे कि अपार्टमेंट्स है, तो कहीं ना कहीं जो एप्रिसिएशन है, जो ROI है, वो आपकी 10x है कंपेयर टू अपार्टमेंट्स। और एप्रिसिएशन तो ऑब्वियसली है ही है आपका प्लॉट्स में ज़्यादा। तो बात करूँ अगर मैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की, तो सेक्टर 99A के अंदर ये प्रोजेक्ट है। 22.5 एकड़ का ये लैंड बैंक है। सबसे बढ़िया बात क्या है कि ये इकलौता एक ऐसा प्रोजेक्ट है, बहुत ही कम ऐसे प्रोजेक्ट है गुड़गांव के अंदर जिसमें आपको एक प्रोजेक्ट में एंटर करने के लिए 3-3 एंट्रेंसेस मिलती है। 3 तरफ से आपको इसमें रोड्स जाती है अगर आपको प्रोजेक्ट के अंदर एंटर करना है। तो जैसा कि आपको पता है, जितनी अच्छी कनेक्टिविटी होती है आपकी प्रॉपर्टी की, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, जो आपकी प्रॉपर्टी है, उतनी ज़्यादा अप्रिशिएट करती है। बात इस वीडियो में हम करेंगे बिल्डर के बारे में, पेमेंट प्लान के बारे में, कब लॉन्च हो रहा है, क्या साइजेज हैं और किस तरह की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर क्रिएट होती है, डिटेल में हम बात करेंगे। उससे पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, सो दैट के इसी तरह की इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, वो चाहे कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो, हाई राइज हो, लो राइज हो, प्लॉट्स हो, हर तरह की इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोज़ मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है। वो आपसे कोई भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिस ना हो, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले बात करते हैं सेक्टर 99A की। अगर बात करते हैं सेक्टर 99A की, तो सेक्टर 99A एक ऐसी लोकेशन है जहां पर आपको 8 से 10 प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, जहां पर आपको DDJAY और रेगुलर प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करने के ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहां पर आपको सत्या के प्लॉट्स मिल जाते हैं, अदानी के मिल जाते हैं, रहेजा के मिल जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत से नए बिल्डर्स हैं जिन्होंने अपने वहाँ पर प्रोजेक्ट्स निकाले हैं और ऑलमोस्ट जो बिल्डर्स हैं वो अपना प्लॉट्स बेच के निकल चुके हैं। लेकिन जो ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट की जो आपकी लोकेशन है, जितने भी अभी तक के प्रोजेक्ट है, सबसे बेटर है। जैसा कि मैंने बताया, एक तो इसके अंदर 3 एंट्रेंसेज आपको मिलती है जो कि शायद किसी और प्रोजेक्ट के अंदर आपको नहीं मिलती। और साथ ही साथ इसमें अच्छी चीज़ क्या है कि बिल्डर ऑलमोस्ट 50-60% जो इन्वेंट्री है वो अपने पास रिटेन कर रहा है और जल्दी ही अगले 2-3 महीने के अंदर वो वहाँ पर लो राइज फ्लोर्स लॉन्च करेगा। तो जहाँ पर डेवलपर इंटरेस्टेड होता है कंस्ट्रक्शन करने में, तो वहाँ पे फ़ायदा क्या होता है कि हैबिटेशन जल्दी हो जाता है। और जहाँ पे हैबिटेशन जल्दी होता है वहाँ पे जो आपकी प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन है वो कंपेयर टू अदर डेवलपर्स या कंपेयर टू अदर प्रोजेक्ट्स ज़्यादा जल्दी होता है। तो यहाँ पर ये भी आपको एक फ़ायदा होता है। तो बात करते हैं अब प्रोजेक्ट की। तो प्रोजेक्ट जो है ये 22.5 एकड़ का है जिसमें आपको 12.5 एकड़ में DDJAY प्लॉट्स मिलते हैं और जो 10 एकड़ रिमेनिंग है उसमें आपको मिलते हैं रेगुलर प्लॉट्स। तो इसमें आपको दोनों तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मिलते हैं। इफ़ यू वांट टू गो फॉर DDJAY प्लॉट्स तो आपको उस तरह के ऑप्शंस भी मिलते हैं। अगर आप रेगुलर प्लॉट्स में जाना चाहते हो तो इसमें 250-350 गज के प्लॉट्स के ऑप्शन अवेलेबल है। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी की कि आप इस लोकेशन पर कैसे पहुँच सकते हो। तो मेन द्वारका एक्सप्रेसवे से 75 मीटर की एक रोड जाती है। अगर आपको आइडिया हो तो ये वही रोड है जो कि आपकी द्वारका एक्सप्रेसवे के पैरेलल चलती है और दिल्ली में जाके कनेक्ट होती है। ये वो रोड है जो शोभा सिटी को डिवाइड करती है, 108, 109 सेक्टर को डिवाइड करती है और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉरिडोर माना जाता है ये, अलॉन्ग विद द्वारका एक्सप्रेसवे, जो कि आपको दिल्ली की कनेक्टिविटी देता है। तो उस 75 मीटर रोड से इसको 24 मीटर का एक्सेस मिलता है और उसी 75
मीटर वाइड रोड से इसको एक 14 मीटर की कनेक्टिविटी भी मिलती है। तो ये हो गई दो एंट्रेंसेस। तीसरी जो एंट्रेंस है वो इसको रहेजा वान्या के अंदर से मिलती है, वो भी 24 मीटर वाइड एंट्रेंस रहेगी। तो अगर इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको एंटर करना है तो दो एंट्री आपको मिलती है 75 मीटर वाइड रोड से और एक एंट्री मिलती है आपको 24 मीटर वाइड रोड से। तो कहीं ना कहीं ये जो तीन कनेक्टिविटी है इसको जो बाकी के प्रोजेक्ट्स है उस लोकेशन पे उससे बिल्कुल डिफरेंट कर देती है और एप्रिसिएशन होने के जो चांसेस है कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बाकी डेवलपर से बाकी प्रोजेक्ट से आपको ज़्यादा इसमें रहेंगे। तो अगर बात करते हैं पेमेंट प्लान की तो पेमेंट प्लान भी इसमें काफ़ी अच्छा रहेगा। इसमें आपको 9 महीने के आसपास का पेमेंट प्लान मिलेगा, लेकिन इसमें एक अच्छी चीज़ यह है कि अगर आप उससे पहले भी रजिस्ट्री करवाना चाहो तो इस तरह का भी कुछ ऑफर इसमें आपको मिलने वाला है। जो अगर बात करें डेवलपर की तो डेवलपर के पास गुड़गांव के अंदर 5 से 6 लैंड बैंक है, द्वारका एक्सप्रेसवे पे ही इनके पास 4 से 5 साइट्स हैं, फरूख नगर में इनके पास साइट है, इनके पास सोनीपत में साइट है, इनके पास जयपुर के अंदर साइट है, एमपी के अंदर इनके पास 200 से 300 एकड़ का लैंड पार्सल है। तो लैंड इनके पास बहुत सारी है और इनके अभी जो प्रोजेक्ट्स है अभी इनके लो राइज के भी आने हैं, कमर्शियल भी आना है, हाई राइज भी आना है। तो काफ़ी अच्छा फाइनेंशली जो बैकग्राउंड है काफ़ी साउंड है फाइनेंशली, तो अच्छा बिल्डर है। अब बात करते हैं कि इस प्रोजेक्ट में आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए या क्या आपको फ्यूचर एप्रिसिएशन यहाँ पे होने के चांसेस हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे तो एक अपने आप में एक बहुत प्रीमियम लोकेशन है ही है। मेन द्वारका एक्सप्रेसवे से मैं अगर इसका डिस्टेंस की बात करूँ तो 500 मीटर अंदर जाके आपको ये साइट पड़ जाती है, तो ऑब्वियसली बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है द्वारका एक्सप्रेसवे से। 75 मीटर जो अलॉन्ग विद आपका द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली को जाता है उसका जो डिस्टेंस है वो 200 से 300 मीटर है, तो बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी है। ग्लोबल सिटी जो 1100 एकड़ में एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है हरियाणा गवर्नमेंट का, सेक्टर 36 में आ रहा है, 37 उसमें लगता है, 3 सेक्टर उसमें लगते हैं। वहाँ से जो इसका डिस्टेंस है वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट की ड्राइव है। तो ग्लोबल सिटी जैसी लोकेशन जब आपके प्लॉट के पास में लगेगी तो और जब वो ग्लोबल सिटी बनेगा और जिस लेवल के साथ वो ग्लोबल सिटी बनना है उसका जो इफेक्ट है वो डेफिनेटली जो आसपास के प्रोजेक्ट्स हैं उन पर आएगा, वहाँ का जो एप्रिसिएशन है वो काफ़ी ज़्यादा होने के चांसेस हैं। तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि अगर आप इस इन्वेस्टमेंट को अगले 3 से 5 साल होल्ड करते हो तो इसमें जो आपको एप्रिसिएशन है ऑलमोस्ट डबल होने के चांसेस है। इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड है उसके लिए आप हमारे नंबर्स पे हमें कॉल कर सकते हैं। सो इट वॉज ऑल अबाउट दीज प्लॉट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।